तो हेलो इंडिया, सुप्रभात, की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो भाई आपका नहा के एंड धो के रेडी है और भाई भी अपना वापिस आ चुका है। और भाई कैसा लग रहा है गुवाहाटी में? एकदम बढ़िया लग रहा है, पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार नहीं आ रहा है, जी जी का है भाई। और आज आपको बताना, आज अपने लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज हम जा रहे हैं टाटा विंगर का शूट करने के लिए। और भाई हम तो दो लोग हैं, बट अगर आप ग्रुप में जाते हो या फैमिली में जाते हो ना, तो भाई टाटा विंगर सबसे मस्त वाली गाड़ी रहेगी आपके लिए। और क्या क्या उसमें आपको फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या सेफ्टी फीचर है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का दिन शुरू करते हैं। कान्हा जी का नाम जाओ, कान्हा जी की चलते हैं मेरे दोस्त अभी शोरूम की तरफ, टाटा के शोरूम की ओर। हम गुवाहाटी का खानापारा में है और जो जगह है लाल माटी जाना पड़ेगा, लाल माटी। और भाई तुझे बिलीव नहीं हो रहा, कल मैं जैकेट पहन के यहाँ पे घूम रहा था, तगड़ी गर्मी, और आज टी शर्ट में घूम रहा हूँ तब भी गर्मी लग रही है भाई। गर्मी है ना, अभी भी गर्मी लग रहा है, मतलब गुवाहाटी में गर्मी है, आगे पीछे ठंडा ही है। वही चलो फिर चलें। चलो, 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 चलो। मेरे दोस्त इसी के साथ थोड़े बहुत धक्के खाने के बाद गाड़ियों में हम पहुंच चुके हैं टाटा के शोरूम में। और फाइनली हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा बहुत ना आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, वो पता क्यों? जब क्रिकेट में कोई इंडिया जीत, सॉरी क्रिकेट में कोई टीम जीत जाती है ना, ऐसे पीछे बोर्ड लगा होता है ना, ऐसा फील आ रहा है भाई। तो सेम ऐसा वाला फील आ रहा है कि भाई हमें भी, पता नहीं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यार। तो मेरा दोस्त सबसे पहले हम आए हैं लेक के किनारे। वैसे देखा जाए ना, टाटा विंगर के साथ मेरे को वो वाली जगह घूमने का मौका मिल रहा है जो मैंने पहले कवर नहीं करी आसाम में खासकर। और कुछ ऐसा व्यू है भाई लेक वाला, वो भी टाटा विंगर के साथ। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ या अपना दोस्त ग्रुप थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप सफ़र करना चाहते हो इसमें, तो क्या क्या सेफ्टी फ़ीचर होने चाहिए, और अगर आप लंबा सफ़र करते हो तो उसके लिए क्या क्या आपको इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है। सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे आप रेंट पर बुक भी कर सकते हो, माइस 22-23 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 22-23 रुपये प्रति किलोमीटर हिसाब से। तो अभी सरदार जी बताएंगे इसमें क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सेफ्टी फ़ीचर है, वो सारा आपको अभी पता चलेगा। तो सर जी क्या नाम है सबसे पहले आपका? सर मेरा नाम है सतरूप सिंह, मैं अखोम ऑटोमोबाइल्स में सर्विस करता हूँ। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको DRL लाइट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि पूरा स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को, ठीक है जी। और नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉग लाइट का, जैसे फॉग लाइट रात को के अंधेरे रास्ते में, तो आपको देखने के लिए, ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे दोस्त अगर आप फैमिली के साथ लंबे टूर पे निकलते हो तो भाई एंटरटेनमेंट तो बनता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आप कस्टमाइज स्टीरियो प्लस अपने मनपसंद की स्क्रीन भी, कस्टमाइज स्क्रीन भी फिट करवा सकते हो, जिससे भाई म्यूजिक चलता रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। और सेकंड चीज़ बड़ी मस्त लगी जो मेरे को, यहाँ पे हर सीट के ऊपर ना आपको भाई AC मिल जाएगा, जिससे मतलब अगर चिल, मतलब हॉट वाला वेदर है तो उसमें आप AC वाला ठंडी वाइब का मजा ले सकें, जैसे यहाँ पे AC चल रहा है भाई, क्या ठंडी हवा। और मेरे दोस्त फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ लंबे टूर पे जाने के बाद आपको थकान भी होगी, जिससे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, तो इसमें आपको मिलता है भाई रिक्लाइनर सीट। मैं आपको करके दिखाता हूँ, सर जी कैमरा पकड़ना थोड़ा, रिक्लाइनर सीट प्लस आप सीट को आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो भाई कुछ ऐसा हम अंदर बाहर भी कर सकते हैं, अगर कोई मेरा पास वाला कोई मोटा आदमी है मेरा दोस्त, जैसे शादी के बाद मम्मी पापा वैसे मोटे हो ही जाते हैं, तो हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे भाई। और अगर थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए तो पीछे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये फोल्ड हो रखी है, जैसे एरोप्लेन में फोल्ड होती है सेम उतनी फोल्ड हो जाती है। और अगर मेरी तरह आप जंग दिखना चाहते हो ऐसे आर्मी मैन की तरह, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो। और मेरे दोस्त अच्छी बात यह है कि टाटा विंगर आती है मल्टीपल सीटिंग के साथ, जैसे 11, 13, 15 आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो। और भाई इसमें कम से कम 6 फीट आदमी मजे से खड़ा होकर आगे पीछे, मतलब पीछे भी जा सकता है आगे भी जा सकता है, जैसे कई गाड़ियों में दिक्कत होती है कि भाई थोड़ा बैंड होना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि नीचे वाली साइड तो AC की हवा आ रही है एंड साइड पर भी AC वाली हवा आ रही है भाई, गर्मियों में AC मेन चीज़ है यार, मेन रोल प्ले करता है। और मेरे दोस्त को पूछते हैं कैसा लग रहा है, मेरे दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से AC चल रहे तो ठंड लगने लगा, और AC काफ़ी 15-20 AC चारों तरफ छोटे छोटे लगाया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा AC लगा के रखा हुआ है, बस देखना भाई बुखार ना हो जाए। मेरा दोस्त बोला है काफ़ी टाइम से चल रहा है तो मेरे को ठंड लगना शुरू हो चुका है। मेरे दोस्त थोड़ा बाहर घूम ले, बाहर का व्यू का नज़ारा ले और बुखार ना। भाई साहब ये जगह ना बड़ी मस्त है, वैसे कौन सी जगह है सरदार जी? ये आपकी पड़ती है पमोही डिपोरबिल, यहाँ पे लेक व्यू बहुत सुंदर आता है। और नेक्स्ट इस गाड़ी में क्या फीचर होने वाले हैं भाई? मेरे को पीछे वाली साइड ना बहुत सारी लगेज स्पेस दिख रही है सरदार जी, क्या? सर इसकी लगेज स्पेस ही तो इसका मेन चीज़ है,
क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है 400 लीटर की बूट स्पेस, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है सामान रखने के लिए। और अगर आप दोस्तों फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है सेफ्टी फीचर। और सरदार जी क्या क्या सेफ्टी फीचर है इसमें? सर इसमें आपको एक तो मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर, और आपको अंदर में मिल जाती है आर्मरेस्ट और सीट बेल्ट के साथ में, क्योंकि अगर कोई एजेड बंदा है तो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते। और मेरे दोस्त सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि अगर आपका सफर में फोन डेड हो जाता है तो इसमें आपको यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे हम मजे से चार्जिंग लगा के अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। लो भाई अपना फोन भी चार्ज होना शुरू हो चुका है। भाई साहब जैसे आपको बताया आज के दिन के लिए ना स्टार्टअप इंगर के ओनर हम ही हैं, और जहाँ मन करे ना इसे लेके जा सकते हैं। फिलहाल हमने लेक वाला व्यू भी देख लिया और दूसरा भाई ट्रेन वाला व्यू भी देख लिया, क्या मस्त वाला व्यू था ना। अभी मन कर रहा है कि और भी आगे पीछे घूम लेते हैं ना, 3-4 लोकेशन और भी कवर कर लेते हैं, जैसे माउंटेन वाली वाइब होगी एंड थोड़ा ऑफ रोडिंग चेक करते हैं इसकी। और इसका मतलब ये नहीं है कि लेने का मन कर रहा है जहीं कहीं लेके चले जाएँ, जम्मू लेके चला जाएँ, ऐसा भी नहीं है। मतलब 10 किलोमीटर एरिया में मज़े से घूम सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक है ना। और सरदार जी को पूछते हैं कि भाई उन्हें मतलब मोस्टली पेपर वर्क ही रहता है ना? हाँ मोस्टली पेपर वर्क में बिजी रहते हैं, आज आपके साथ ही निकले हैं तो एकदम अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी में बैठ के। सही है। चलो भाई हमारे पीछे सरदार जी को भी थोड़े बहुत घूमने का मौका मिल गया आसपास की जगह, नहीं तो पेपर वर्क में बिजी रहते होंगे ना? पूरा टाइम बिजी रहते हैं ऑफिस में। और मेरे दोस्त अब तो बैंक में बिजी रहते हो, आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज नया गाड़ी में बैठ के, और काफी सारा सिस्टम है यहाँ पे तो देखने को मिला, तो काफी अच्छा है गाड़ी तो बैठने के अच्छा लगा मुझे बस। ओके इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, भाई ने भी काफी एंजॉय करा। ठीक है अभी नेक्स्ट वाली लोकेशन में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी ठंड को। तो मेरे दोस्त आपको ना एक चीज माननी पड़ेगी, मेरी किस्मत ना बहुत ज्यादा लकी है कि आज टाटा विंगर के साथ सफर करते करते मैं पहुंच चुका हूँ भारत के 6वें ज्योतिर्लिंग। 6वां है ना भीमा शंकर जी ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, मुझे नहीं पता था सुची असम में है। और जैसे इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा पड़ा मैंने थोड़ा बहुत, एंड यहाँ पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है भाई, एंड ये तो अपनी किस्मत है। आपको पता है भोले बाबा जी का भक्त हूँ मैं, कैसे ये ऑफर छोड़ सकता हूँ? तो चलो भाई बिना देरी करे हुए पहले भोले बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं भगवान शिव के 6वें ज्योतिर्लिंग। लो भाई देख रहे हो ना किस्मत किसी ना किसी बहाने भोले बाबा जी के पास लेके आ चुकी है। और मेन चीज पता क्या, आज मंडे है भाई, आपको पता है ना घर पे भी मैं जब होता हूँ ना सोमवार भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, और आज भी सुबह जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मंदिर बना हुआ था, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करी, पर मुझे पता नहीं था कि आज मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। जय हो भोले बाबा। तो मेरे दोस्त अभी टाइम हो चुका है टाटा विंगर की खुद टेस्टिंग लेने का, सही है ना? वैसे देखा जाए जो भी फैमिली लेके जाएगा वो ऑफ रोडिंग नहीं करेगा क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी नहीं है, बट फिर भी चेकआउट करते हैं कि गड्ढे शड्ढे में कैसा काम करती है और इसकी स्मूथनेस कैसे है चलाने में। और इसके लिए मैं टेस्टिंग करूंगा, मैं चलाऊंगा, सही है ना? वैसे आपको पता है मैं भी ड्राइवर हूँ भाई, कैसे ड्राइविंग सीखी थी वो आपको पता ही है सारा। तो ठीक है भाई अभी मैं ट्राई करता हूँ और कैसा रहता है इसका सफर। वैसे भाई स्टार्टिंग में मैंने गलती कर दी थी, सीट बेल्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप गाड़ी चलाओगे ना सीट बेल्ट पहन लेना, जो मैंने गलती करी बाद में पता चला रोक के पहन ली है। तो ठीक है भाई काफी स्मूथली है यार, पावर फील हो रही है पावर भाई, मजा आ गया सच्ची यार। बाकी मैं काफी टाइम के बाद चला रहा हूँ आपको पता ही होगा। तो ये था मेरे दोस्त आज का हमारा टाटा विंगर के साथ एक कोलैबोरेशन। अगर आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कोई योजना बना रहे हो कहीं पे घूमने की तो टाटा विंगर को ना भूलें, एक आरामदायक और सुरक्षित आपकी यात्रा का एक टिकट है। तो भाई जब भी सफर करें टाटा विंगर को ना भूलें, सही है ना? बाकी मेरे को काफी ज्यादा मजा आया टाटा विंगर के साथ, और जो इसकी बारीकी थी जो इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है लंबे टूर के लिए वो मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है मेरे दोस्त टाटा विंगर को हम फिर जल्दी याद करेंगे जब भी हम ग्रुप टूर बनाएंगे, सही है ना? और मेरे दोस्त एक मेन बात तो मैं भूल ही गया, मतलब हम तो पीछे बैठे हुए थे पूरा आराम करा, जो चला रहे हैं उनको पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है,
यानी कि ड्राइवर साहब को पूछते हैं कैसी चलाने में, और बाकी सर आपको पता चल ही जाएगा। तो सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिरेन्ना कगवती। और कैसा लगा आपको गाड़ी चलाने में भाई? गाड़ी तो ये सोता गया जैसा, ये हम कर चल रहा है, बहुत सारा स्मूथ है और ड्राइविंग भी बहुत अच्छा है उसका। बढ़िया है ना? बढ़िया है। भाई साहब पहले ना मेरी शक्ल की हालत देखो यार, क्या 12 बज चुके हैं यार मेरे भाई। सुबह 10:30 निकला था और अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:30, और सुबह से बैठा नहीं हूँ, मतलब दौड़ा दौड़ी में और अपना मतलब शूट चल रहा था भाई। उसके बाद हम चले गए अपने आईफोन की बैटरी डलवाने के लिए, और बाद में पता चला कि 7000 की बैटरी है आईफोन 13 की। इतने में फ़ोन आ जाए अच्छा खासा भाई 7000 की। पर एक चीज़ अच्छी है कि अभी फ़ोन ना 3 साल हो चुका है, अभी बैटरी डलवाऊंगा ना 3 साल और चलेगा आईफोन की। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि एक बार पैसा खर्च करने हुआ ना भाई सर्विस अच्छा देता है। चलो एनीवे अभी मैं और भाई सुबह से घूम रहे हैं, भाई ने इतना ज़्यादा मेरे को घुमाया भी है, तो खाना शाना खा के फिर चलते हैं होटल में। ये खाना खाएं। और जी है मेरे दोस्त आसमी शुद्ध देसी थाली भाई बैस वालों के लिए, सही है ना? चल मेरे दोस्त खा, तू ज़्यादा खाया कर भाई, पतला हो गया मेरे से भी। नहीं कोई बात नहीं, खाऊंगा ज़्यादा और मोटा बनूंगा।